एक साथ पंगत में बैठकर खाने पीने का बढ़िया लुत्फ उठाती महिलाएं, सबके चेहरे प्रफुल्लित, सभी ने साड़ी पहनी हुई है। इस सामान्य सी घटना का एक 25 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये लाडली बहना है जो प्रचंड बहुमत का जश्न मना रही है। जश्न का जिक्र खास तौर पर इसलिए क्योंकि वीडियो में बियर की कुछ बोतलें नजर आ रही हैं। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं कि वीडियो शेयर करने वालों का इशारा किधर है। 5 राज्यों के नतीजे हमारे सामने हैं। बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिली है। मध्य प्रदेश में पार्टी 200 में से 165 सीटें जीत गई। चुनाव के पहले यहां की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है। चुनावी नतीजों को लेकर विश्लेषक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस बार मिली सफलता के पीछे इस योजना का बहुत बड़ा हाथ है। तो कुल जमा बात यह है कि वायरल वीडियो का इशारा यह है कि वीडियो में नजर आ रही महिलाएं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट देकर जिताया। एक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करके लिखा, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद लाडली बहना पार्टी करते हुए। इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने वायरल वीडियो को मिलते जुलते दावों के साथ शेयर किया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई वीडियो में नजर आ रही महिलाएं लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ टूल्स की मदद ली। नाम है इनविड। इसका एक काम है मतलब वीडियो के की फ्रेम को तोड़ देना, दूसरा काम है उन की फ्रेम को एक एक करके गूगल पर सर्च करना जिससे वो रिवर्स हो जाता है, उसे रिवर्स सर्च कहा जाता है। तो ये सब करने के बाद हमें एक यूट्यूब चैनल मिला जिसका नाम है बंजारा अश्वथा। इस पर एक वीडियो मिला जिसमें वायरल वीडियो की क्लिप निकली। यहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक तेलुगु गाने का सुनाई दे रहा है। इसे 25 अक्टूबर 2023 को अपलोड किया गया और विधानसभा चुनाव शुरू ही अभी इस नवंबर में हुए हैं, यानी वीडियो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से तो काफ़ी पहले का है और ये चुनावी जीत का जश्न तो कतई नहीं हो सकता। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है दशहरा दावत। इसके अलावा वीडियो जिस चैनल पर हमें मिला है उन्होंने अपने बारे में ये बताया है कि उनका नाम बंजारा अवस्था है और वो तेलंगाना के नगर कुरनूल के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इस चैनल पर हमें कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें वायरल वीडियो में नजर आ रही महिलाएं उन्हीं परिधानों में नाचते झूमते नजर आ रही हैं। मतलब नाचना गाना खाना सब कुछ एक ही दिन हुआ है। अब बात यह है कि वीडियो है कहाँ का। ऊपर मिली जानकारी से मदद लेते हुए हमने तेलंगाना में इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर अब्दुल बशीर से संपर्क किया। उन्होंने वायरल वीडियो देखा और देखते ही बता दिया कि तेलंगाना का वीडियो है। उन्होंने कहा ये वीडियो तेलंगाना का ही है, एग्जैक्ट जगह नहीं पता लेकिन तेलंगाना के कुछ हिस्से में दशहरा त्यौहार में इस तरह का सेलिब्रेशन होता है। तो ये साफ है कि वीडियो मध्य प्रदेश का तो नहीं है, तेलंगाना का है जहाँ कांग्रेस ने हालिया विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल की है। और चूंकि वीडियो चुनावी नतीजे से पहले का है तो इसका चुनाव के किसी भी पार्टी के विशेष प्रदर्शन से या फिर प्रचंड बहुमत से कोई भी संबंध नहीं है। कुल जमा बात बस इतनी है कि महिलाओं के शराब के साथ जश्न मनाने के वायरल वीडियो को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश का नहीं है, तेलंगाना का है और इसलिए ये महिलाएं लाडली बहना योजना की लाभार्थी तो नहीं है। बाकी जिनको महिलाओं के शराब पीने से आपत्ति है वो तो तंज कसेंगे ही, लेकिन सच्चाई जो थी वो हमने आपको बताई। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम सोनल है। ऐसे ही वायरल और भ्रामक दावों की सच्चाई जानने के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लप लप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कॉमेंट्स में बताइए।